यह सर पन्ना मियाँ कुंड। पन्ना मियाँ कुंड, पन्ना मियाँ भी बोलते हैं, पन्ना मीणा भी बोलते हैं। इसके जी दो वर्ड्स हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मीणे रहते थे तो मीणे तो बोलते पन्ना मीणा ने बनाया था, मुस्लिम है जो पन्ना मियाँ, तो उसके नाम से इसको पन्ना मियाँ के नाम से भी बोला जाता है। तो इसका क्या यूज़ होता था? ये सिर्फ नहाने धोने के स्टेप वाले, कहीं से भी उतरेंगे नीचे डायरेक्ट नीचे पहुँचेंगे तो ये क्या, जो बारिश का लेवल, बारिश होता है पहाड़ियों से तो उसका जो लेवल आता है उसी के अनुसार इसका पानी आता है। ज़मीन में कितना पानी है, अगर ज़्यादा पानी है पहाड़ियों में तो इसका लेवल ऊपर बढ़ जाता है, कम है तो नीचे। ओके कबीर बिहारी जी का ये मंदिर है, आई थिंक बंद है जैसे कि हमारे गाइड भैया बता रहे, बट बना बहुत सुंदर था इसलिए हम लोग आ गए। जयपुर शिफ्ट हो गए थे जी, तो जयपुर रहने लग गए, कुछ यहाँ पे रहते थे ऐसे आमेर जयपुर लोग, इधर से राइट में टर्न करना। राजाओं के अंडर में जो मंत्री लोग रहा करते थे जी, ये बैराठी हवेली है जी। बैराठी, बैराठी हवेली है जिसको ललित मोदी ने खरीद ली थी होटल वगैरह बनाने के लिए, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट के अंडर में है। सामने वाला नरसिंह मंदिर, राजा मानसिंह के पिता भगवान दास बारमल यहाँ रहते थे, बारमल की जो लड़की थी जोधा, उसका जन्म स्थान ये था जो फिल्म में दिखाया गया जोधा अकबर जी जी, ये स्थान की बैठे के सामने वो नहीं का, ये यहीं से वो वहाँ गई थी आज शादी, इधर से लेफ्ट में लेना अपने को, ये बिल्डिंग हो गया नरसिंह टेम्पल। नरसिंह टेम्पल रास्ता बड़ा प्यारा है, अभी बनाया, अभी इसका काम चल रहा है, वन वे रास्ता है ये, अभी इसका काम चल रहा है, इधर से रास्ता उतरने का है, तो गवर्नमेंट ने इस टाइम काम नहीं किया, नहीं तो बहुत ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये क्या है कि वापस इधर से ही आएंगे अपन, ये 50 रुपीज़ का पर्ची लगनी है गाड़ी का, कार का राइट में। पार्किंग है अमेर फोर्ट की, 50 रुपीज़ लगते हैं। ये रही मेरी कार और यहाँ से एंट्रेंस है, और पीछे आपने रास्ता तो देख ही लिया कैसा था, हमारे गाइड भैया खड़े हैं। चलो चलो आओ ये, और ये विलेज गांव हो गया आम्बेर जी। तो ये गांव और पैलेस की सुरक्षा के हिसाब से इसको चारों तरफ से अरावली पहाड़ी के बीच में बनाया गया है।
यहाँ के ऊपर वो जो देख रहे हैं कि देखिए बाउंड्री बनी है करीब 12 किलोमीटर में चारों तरफ से। पुराने समय में टेलीफोन मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, इन पे चौकियाँ बनी जहाँ पे सैनिक ड्रम्स नगाड़े वगैरह लेकर बैठते थे। अच्छा, लड़ाई के समय कोई भी बाहर से दुश्मन की सेना अगर आ जाए तो उधर से ड्रम्स नगाड़े बजा दिए जाते थे ताकि यहाँ के सैनिक सावधान हो जाए। ये चारों तरफ बाउंड्री है इसकी, ये आमेर गाँव। आमेर गाँव का मेन गेट है, सूरज पोल गेट ईस्ट पूरब में है जी। ये मून पोल यानी चांद पोल गेट के लाते हैं, चांद पोल गेट ये। और ये इधर से बाई वॉक पैदल आते हैं जी, ये रास्ता है। एलिफेंट के द्वारा आएंगे, टू मेंबर को लाके ड्रॉप छोड़ के जाएगा, उसका 1100-1100 रुपये चार्ज होता है। एलिफेंट इधर छोड़ता है वन साइड वन। राजा लोग जब एलिफेंट से आते थे तो उनके वेलकम में गेट के ऊपर में सैन्य नगड़े बजाए जाते थे, नौपत खाना। ओके, यहाँ पे पैलेस का ऊपर मेन गेट है, सिंह पोल गेट, लाइन गेट, सिंह पोल गेट। तो राजा लोग जब महल से उतरते थे उस जमाने में कार्य जी भी मिलती है, सामने में राइट साइड में उनके अस्तबल घोड़े रहते हैं। ये मैदान है जलेब चौक, पुराने जमाने का आर्मी सैनिक परेड ग्राउंड, जो आप लोगों ने फिल्म देखा जोधा अकबर वीर और बोल बच्चन, उसका शूटिंग इधर का है। अभी ये ऊपर में पहले से आप लोग देखेंगे, इसका टिकट है 100 रुपीज़ पर मेंबर जी। अगर स्टूडेंट आईडी कार्ड वगैरह है तो 10 रुपये 10 रुपये का टिकट होता है जी। जी सर, ये टेंपल है शिला देवी का, 400 साल पहले बंगाल जसोर से राजा मानसिंह इस मूर्ति को लेके आए थे जी। वहाँ के राजा थे केदार, केदार राजा से इस महल गए तो काली की उपासना की और काली ने सौकुन में कहा कि शिला की मूर्ति अपने राज्य में ले जाकर स्थापना करेंगे तो विजय प्राप्त होगी। तो 400 साल पहले जो मूर्ति को लाकर स्थापना किया उस समय वो जो पेड़ देख रहे हैं नीचे रेलिंग देख रहे हैं, वहाँ पर नर बलि आदमी की बलि दी गई, भैंसे की बलि, बकरे की बलि। 1975 तक यहाँ बलिया होती थी आम पब्लिक के सामने, वो गवर्नमेंट ने क्लोज बंद कर दिया, लेकिन अभी भी दिल्ली मंदिर में बकरा शराब के चावल चपाती बोतल वगैरह चढ़ता है यहाँ पे। हाँ, लेकिन राजस्थानी ब्राह्मण शराब मीट के हाथ नहीं लगाते थे, इसके लिए बंगाली पुजारी लेके आए थे, वही इस मंदिर की सेवा पूजा कर देते हैं। मंदिर सुबह 6 से 12 बजे तक खुला रहता है, 12 से 4 बंद रहता है, 4 से 8 बजे तक खुला रहता है। तो अभी अभी भी वही पूछते जो हैं पहले, अभी भी वही हैं चलता था, लेकिन अभी बंद कर दिया कोविड की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी क्या है ये मंदिर बंद था, कल से ही खुला है। ओके, 30 तारीख तक ये बंद था, कल से खुला है जी। जी, तो सिल्वर प्लेट चांदी का दरवाजा जिसमें नौ दुर्गा देवस्थानी के अलग अलग रूप है, अंदर में पूरा व्हाइट मार्बल का काम है। गणपति का मूर्ति देखते हैं, कोरल मिंगा स्टोन है वन पीस, अंदर की साइड में ब्लैक स्टोन में काली की मूर्ति, इटालियन मार्बल के केले के पेड़ है। तो मंदिर जो है राजा के अंडर में, पहले से आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट के अंडर में। तो अगर सिल्वर का ये दरवाजा है, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा 1649 में बनाया गया है, टोटल 48 पिलर्स है। 1616 ये वाइट मार्बल के जो अजमेर के पास मकराना से निकलता है, प्रत्येक पिलर पे हाथी का जो सिर सूंड और फूल भी देखने को मिलता है, ये सभी हिंदू आर्ट है। नीचे में जो फूल पत्ती का डिजाइन है मुस्लिम आर्ट, तो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों आर्ट मिक्स करके बनाया गया है। मुस्लिम लोग जैसे चद्दर कारपेट बिछा के जब नमाज पढ़ते हैं तो कोई जानवर आदमी का चित्र मिलना चाहिए, इसलिए मुस्लिम डिजाइन कहलाते हैं जी। नीचे में कारपेट लगते थे, कर्टन्स पर्दे लगते थे,
आम पब्लिक के साथ बैठ के राजा का दरबार मीटिंग होता था। उस जमाने में इलेक्ट्रिक लाइटें नहीं होती थी, तो ऊपर में जो हुक कड़े देख रहे हैं कपड़े के फैन पंखे लटका दिए जाते थे, जिनको सर्वेंट नौकर चाकर हिलाया करते थे। तो ये पार्ट कहलाता है दीवानी आम हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। सामने में गेट देखते हैं, गणेशपुर गेट है। हिंदू धर्म में कोई भी काम करते हैं सबसे पहले गणपति का पूजन करते हैं, तो बीच में पेंटिंग है गणपति का। आज से 300 साल पहले यहाँ पे कोई केमिकल कलर नहीं बनते थे। ये जो कलर है अपने खाने का सब्जी होता है पालक हल्दी मेथी नींबू के छिलके आम के पत्ते, इनको गला करके कलर बनाए जाते थे। ये कितना भी धूप गर्मी बारिश पड़ता है कलर फेड खराब नहीं होता है।